नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ईओ आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की जो एक बहुत स्पेशल एग्ज़ाम है, जो जिसका अभी कुछ टाइम पहले फॉर्म भरा गया था और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक पढ़ें आप उसकी तैयारी के लिए, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वैकेंसी आपके लिए। आपको पता है ईओ की इसमें कुछ पोस्ट भी बढ़ चुकी हैं, तो ये पहली बार इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ओनली एक एग्ज़ाम के बेस पे ये ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। तो इसके लिए हर कोई चाहता है अच्छी तैयारी करें। अच्छी तैयारी के लिए आपके पास अच्छी बुक होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी गाइडेंस होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सिलेबस में देखोगे तो ये आपके पास ईओ आरओ का सिलेबस है, जो जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने इस सिलेबस को आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम देखेंगे, हर टॉपिक की बुक्स देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग ए की। भाग ए का जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है? तो अगर आप इसके लिए बेस्ट बुक की बात करते हो तो इसके लिए बेस्ट बुक आपके पास होने वाली है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये क्लास 9th और क्लास 10th की। इनसे बेस्ट कोई बुक नहीं है जिसमें ये मैटर आपको अच्छा मिलेगा। वैसे तो अगर राजस्थान की आपके पास कोई भी बुक है, ऑलरेडी आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी गाइड, कोई भी गाइड आपके पास है तो उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो कल को कोई ऑब्जेक्शन भी लगाना हो, तो इन बुक्स का ऑब्जेक्शन भी मान्य होता है। ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन दोनों बुक्स की कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। और ये जो पीडीएफ आपके पास है, ये जो पीडीएफ जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अब ये सारी बुक्स आपको मैं बताने वाली हूँ, तो इस पीडीएफ को भी मैं आज टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। वहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही सीधा आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको ये इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जितनी भी मैंने बुक्स यहाँ पे ली है, कवर करने वाली हूँ, आपको जो भी बुक चाहिए उसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, अगर उसकी पीडीएफ अवेलेबल है तो सीधा आप पीडीएफ पे पहुँच जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज अगर कोई बुक नहीं आई है और उसके अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो उसके आप उसको कहाँ से बेस्ट मिनिमम प्राइस में आप ऑर्डर कर सकते हो, उसका लिंक आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुँच जाओगे तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको बताया सबसे पहला जो टॉपिक था राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, इसके लिए बेस्ट जो बुक हैं वो है 9th और 10th की, ये दो बुक जो आपके लिए इनफ है। अगर ये दोनों बुक आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो आरएएस लेवल का सिलेबस है। कंप्लीट आरएएस प्री का सिलेबस चेक कर लेना, और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और आरएएस के कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ये बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक जो हम, पहला टॉपिक आपका यहीं से कवर हो जाता है, और इसके जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, इसके मैंने कंप्लीट अलग अलग नोट्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से नोट्स लेना चाहते हो तो वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और बुक लेना चाहते हो तो बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल का। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने ईओ आरओ के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और इस पीडीएफ में भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस का हमारे दूसरा टॉपिक। जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारे पास दिया हुआ है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के नोट्स भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैडम हमें तो बुक चाहिए, तो बेस्ट बुक बताओ। तो बेस्ट बुक आपके लिए जो राजस्थान के भूगोल के लिए होने वाली है
वो आपके पास होने वाली है राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरी मोहन सक्सेना। आप सबको पता है कि ये जो बुक है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जारी की गई ये बुक है। अगर आप रीट भी लगाते हो तो रीट लगाने के लिए भी ये बुक मान्य होती है। अगर कहीं ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ऑब्जेक्शन आप इसी बुक के थ्रू आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा कल को आगे चल के। तो ये बेस्ट बुक है। अगर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पहले करे हो राजस्थान की और आपके पास ऑलरेडी राजस्थान का भूगोल से रिलेटेड कोई बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी बुक्स लगभग एक जैसी ही होती है। लेकिन अभी तक आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बुक खरीदना ही चाहते हो तो यही बुक खरीदना है। पहले से आपके पास बुक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बुक्स में, बुक्स सारी अच्छी होती हैं। तो नहीं खरीदी है आपने तब आपको ये बुक खरीदनी है, ऑलरेडी आपने खरीद रखी है तो मैंने राजस्थान के भूगोल के कंप्लीट नोट्स, इसी बुक के कंप्लीट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। आप उन नोट्स को पढ़ लीजिएगा और आप अपने पास जो भी गाइड अवेलेबल है उस गाइड को पढ़िए, काफ़ी है आपके पास। ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को आप ज़्यादा बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, वो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। राजस्थान का भूगोल हमारे पास हो गया, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, हमारे लिए तो इसके लिए जो बुक है वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, आप सबको पता है। थोड़ी सी महंगी भी है, काफ़ी ये बुक आपके लिए महंगी भी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, इससे बेस्ट इसके लिए कोई बुक नहीं है। हालांकि ये काफ़ी टफ पढ़ने वाली है। कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे मैम इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, इतनी सारी बुक्स हम नहीं पढ़ पा रहे, तो आपके लिए सॉल्यूशन है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऐसी बुक है जो सारे सिलेबस को एक साथ कवर करती है और बेस्ट बुक है, तो आप उसका इंतज़ार करें। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज बुक लेना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज आपके लिए ये बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी। और अगर आप इंडियन पॉलिटी की बुक खरीद रहे हो तो इसके साथ साथ आपको खरीदनी है ये वाली बुक, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन। इसी बुक का कंक्लूजन इस बुक में किया गया है, इसी को आप मानो तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के इस बुक में डाले गए हैं। इसको क्वेश्चंस हैं जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको देखते हुए, पुराने टाइम में जितने भी पेपर हो रहे हैं आरएएस वगैरह के, यूपीएससी वगैरह के, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे विद आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत खरीद रहे हो तो इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चेक जरूर कर लेना कि ये जो अगर आप बुक खरीद रहे हो ये 2022 की होनी चाहिए, पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए, 2022 की हो ताकि लास्ट ईयर तक के सारे पेपर इसके अंदर इंक्लूड हो। तो इसको पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए आपके लिए ये बुक जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं तब तक उनको चैन नहीं आती है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव खरीदना चाहते हो तो 1100 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव इसी एम लक्ष्मीकांत के इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये भारतीय राजव्यवस्था के नाम से है और इन तीनों बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चाहो तो आप इस पीडीएफ पे, जैसे ही आप इस इमेज पे डबल क्लिक करोगे आप सीधा उस लिंक पे पहुंच जाओगे जहां से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो। नहीं तो अगर आप मार्केट में रहते हो तो आप अपने आसपास किसी भी बुक स्टोर पे देखो, वहां पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं अवेलेबल होती है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, कोई खास फ़र्क नहीं रहता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप देखोगे तो बहुत बार ऑनलाइन ऑफलाइन की बजाय सस्ती पड़ती है बुक, और सीधा आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाने आने का खर्चा बचता है, टाइम बचता है, सीधा आपके घर पे आ जाती है। आजकल आप अमेजोन से कोई भी बुक सीधा डायरेक्ट अपने घर पे, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, सब जगह अवेलेबल है, सब जगह पहुंचती है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। ये हुई हमारे पॉलिटी की बात, इंडियन पॉलिटी की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। पहले हमने इंडियन देखी थी, इंडिया की देखी थी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके लिए अगर आप बुक देखोगे तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक जो होने वाली है वो आपके पास हो जाएगी, ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, राजस्थान प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जारी की गई है, ये बुक गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। इसको आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और राजस्थान की अगर राजनीति
उसमें आ रही है, तो ये बुक बेस्ट है। कल को ऑब्जेक्शन भी लगाना हो तो आप इसी बुक के थ्रू आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये सारी मैंने वही बुक ऑथेंटिक बुक्स बताई हैं जिन पे आप कल को आप तैयारी जिस बुक से कर रहे हो उसी बुक से आपको अगर ऑब्जेक्शन की नौबत आती है तो आप इसी बुक के थ्रू ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड बुक्स हैं। तो इस बुक की PDF भी मैं कोशिश करूँगी आपको PDF डालने की टेलीग्राम पर, अभी फ़िलहाल नहीं डाली है मैंने, मैं डाल दूँगी। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप वही सेम सिचुएशन, आप इस पर डबल क्लिक करें और डायरेक्ट ऑनलाइन इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। इसके बाद हमारे पास आता है मेन, जो इस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स का डर है, Part 2। मैडम लगभग जितने भी कमेंट्स आए हैं मेरे पास इसी के लिए आए, मैम सेकंड पार्ट के लिए बुक बताइए कौन सी बुक बेस्ट है, सेकंड पार्ट हम कहाँ से पढ़ें, सेकंड पार्ट्स के हमें नोट्स दीजिए। तो मैंने आपको बता दी, मैंने जो टेलीग्राम चैनल आपके लिए स्पेशल EORO के लिए बनाया है उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस ये जो एक्ट है 2009 वाला, इस एक्ट की जो 600 पेज की हिंदी इंग्लिश की मिला के जो PDF है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसके अलावा ये जो नियम दिए हुए हैं 1974, 2009 और ये वाले तीनों जो नियम दिए हुए हैं इनकी अलग अलग PDF में ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से ये PDF ले सकते हो। सारी योजनाओं से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था जो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, और उसकी कंप्लीट PDF है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो उस PDF से भी। अब इसके अलावा मैं इसको PDF को जो ये मैंने जो PDF डाल दी थी वो सिलेबस आने से पहले डाल दी थी, अब सिलेबस आने के बाद इसकी संशोधित PDF सिर्फ जितने ये दिए हुए हैं योजनाएं इनकी PDF एक दो दिन में मैं फिर से अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दूँगी। तो हालांकि मैंने सेकंड पार्ट के लगभग नोट्स को कवर किया है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं हमें तो बुक चाहिए, हमें तो बुक ही पढ़नी है, तो आपके लिए बेस्ट दो बुक मैं लेके आई हूँ आज। पहली जो है वो है राजेश शर्मा, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट। ये जो बुक है नया एडिशन आया है, आप कोई भी बुक खरीद रहे हो तो उसको ये ज़रूर देख लेना कि आपका सिलेबस जारी होने के बाद बुक जारी हुई है या पहले ही हो गई है, क्योंकि अगर सितंबर में आपकी बुक आई है तो वो नए एडिशन की बुक है। ये बुक आपकी सितंबर में ही आई है, 2022 सितंबर में ये बुक रिलीज़ की गई है। इस बुक को कम्प्लीट आप देख रहे हो, पूरी की पूरी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 दिया हुआ है, उसके बाद ये तीनों अधिनियम दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण योजनाएं भी इसके अंदर कवर की गई हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है सेकंड पार्ट के लिए, आप इस बुक को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। नहीं तो अगर आप जयपुर रहते हो तो चौड़ा रास्ता जाके इस बुक को डायरेक्ट वहां से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हो। इसके अलावा अब कैंडिडेट्स का ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि हमें एक ही बुक मिल जाए जिस बुक से हम कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लें, हमें इतनी अलग अलग बुक्स का झंझट नहीं पड़ना। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो महंगी बहुत पड़ रही हैं, पैसे बहुत लग रहे हैं, तो एक वजह तो ये हो सकती है, और दूसरा कुछ कैंडिडेट्स हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो इतनी सारी बुक्स पढ़ पाएँ, वो नहीं पढ़ सकते इतनी। तो दोनों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, और जो लोग कैंडिडेट्स अफोर्डेबल हैं जो इन सारी जो अलग अलग परचेज कर सकते हैं तो उनके लिए तो यही बुक्स हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं, ये बेस्ट बुक हैं। इन्हीं बुक्स को अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, आप बेस्ट सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हो, सब औरों से अलग करना चाहते हो, तो आपको ये बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे तैसे हमें तो पूरा कंप्लीट सिलेबस की ही एक बुक मिल जाए, तो वो भी बेस्ट बुक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये है। अब बेस्ट बुक मैं क्यों बोल रही हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। ये जो बुक है, अभी पहली बात तो ये सितंबर में रिलीज हुई है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसके अंदर शामिल किए हुए हैं, पूरे 120 नंबर को यहाँ पे कवर किया गया है। इम्पोर्टेंट क्यों बताया मैंने इस बुक को, वो इसलिए बताया, आपको पता है कि ये जो सिलेबस है, ये अपना जो सिलेबस है वो RAS के अकॉर्डिंग सिलेबस है, और अगर RAS प्री का सिलेबस मैच करना और ये EORO का सिलेबस मैच करना, आप खुद देख पाओगे कि ये जो सिलेबस है वो RAS प्री के सिलेबस से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि मुक्ता राव मैडम जो RAS प्री में लास्ट टाइम आपने देखा होगा टॉप 1 रही है, रैंक 1 पे रही थी ऑल ओवर राजस्थान में, जो RAS टॉपर रही हैं
उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, उनका कंट्रीब्यूशन इस बुक में। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीट बुक उन्होंने लिखी है, लेकिन उनका उनकी नज़र में ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कपिल चौधरी सर, जो आरएएस 2018 की ही रैंक 129 रैंक पे रहे हैं। इसके अलावा सुभाष चारण सर, जिनको कौन नहीं जानता, राजस्थान में अगर आप राजस्थान की जीके पढ़ रहे हो और सुभाष चारण सर की क्लास नहीं देखी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनसे बेस्ट राजस्थान जीके कोई नहीं पढ़ा सकता। तो अब इसके अलावा आर्यन साहोता सर हैं, रमाकांत शर्मा, आशु चौहान, नारायण गुजर, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन इस बुक में, इतने सब लोगों ने मिलके एक बुक को बनाया है और ये सारे अपने अपने फील्ड के दिग्गज रहे हुए हैं। तो अगर इन सब ने मिलके बुक बनाया तो ये बुक कितनी बेस्ट रही होगी, सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा अगर आप दूसरा दोबारा भी इसके अलावा भी अगर आप इस बुक को इसका रिव्यू देखेंगे, मेरे अलावा भी आप इसका रिव्यू आप नेट पे जाके सर्च करना, इससे बेस्ट ईओआरओ की कोई भी कंप्लीट गाइड आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ईओआरओ की दोनों पार्ट की कंप्लीट गाइड चाहिए तो बेस्ट बुक है आपके लिए, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं मिलेगी। पूरा सिलेबस आपका कवर किया हुआ है। जिन कैंडिडेट्स को लगता है उनके पास टाइम कम है और वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, वो ये बुक खरीदें और जितनी बार हो सकते हैं इसका रिविज़न करें। इस बुक को कम से कम 4 या 5 बार पढ़ डालें, गारंटी है आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। अगर आप 5 बार इस बुक को पढ़ डालते हो ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है आपको। बेस्ट बुक है ये आपके लिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का ये है कि नहीं मैडम, फर्स्ट पेपर हमारा ऑलरेडी अच्छे से तैयार है, हमें नहीं चाहिए फर्स्ट पेपर की बुक। भले ही ये बुक बेस्ट है, लेकिन हमें इसमें फर्स्ट पेपर भी साथ में दिया हुआ, हमें फर्स्ट पेपर नहीं चाहिए। तो सेकंड पेपर के लिए अगर आप देखो तो ये बेस्ट बुक है सेकंड पेपर के लिए। वाफना पब्लिकेशन की ये बुक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये बुक भी। इसका पुराना एडिशन भी मिल जाएगा, पुराना नहीं लेना है, नया एडिशन लेना है। नए एडिशन के अकॉर्डिंग आप ये बुक देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ये सेकंड पार्ट की है। आप चाहे तो ये बुक खरीदो और चाहे तो जो राजेश सक्सेना की मैंने अभी बुक बताई थी, आप जो राजेश शर्मा वाली बुक बताई थी, आप वो दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो सेकंड पार्ट के लिए, ये भी अच्छी बुक है। और जो मैंने ये बताई थी आपको राजेश शर्मा की, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, ये भी दोनों में से जो मर्जी कोई भी बुक आपके पास ऑलरेडी है, एक ही बुक पढ़ना, दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक की तरफ नहीं भागना है, जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी में से पढ़ना है। राजस्थान जीके की मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑलरेडी आपके पास कोई बुक है तो दोबारा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड पार्ट की। इन दोनों में से कोई एक बुक जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आपके आसपास में किसी स्टोर पे मिल रही हो, तो आप वहाँ से खरीदें, नहीं तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करें। 2 या 3 दिन में, मैक्सिमम 2 या 3 दिन में आपके घर तक ये बुक पहुँच जाएगी। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और ये बुक मंगाएं। कोई भी बुक, मुझे किसी भी बुक का मैं आपको यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी से मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने इन बुक्स को देखा है, पर्सनली इनको पढ़ा है, उसके बाद मैं इस रिव्यू को लेके आई हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आप चाहते हो ईओआरओ से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स आपको मिलते रहें, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलते रहें, तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का ये लिंक मैंने इसी पीडीएफ में डाल रखा है और टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जहाँ से आप ईओआरओ से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड वहाँ पे, जैसे भी मुझे बेस्ट कंटेंट मिलता है मैं अपलोड करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं मैं उस कंटेंट का वीडियो ही बनाऊँ, मैं बिना वीडियो बनाए ही कंटेंट आपके पास, किसी का भी कंटेंट मुझे बेस्ट मिलता है मैं वहाँ अपलोड करती हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको यहाँ मिलती रहती हैं। हमारे फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल के फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहती हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।